नूर में चलूंगा, दिन हो रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पाते पाऊंगा, चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलता चलूंगा। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल होंगे और हम प्रभु चरणों में अपने सारे निवेदनों को रखें। आप भी अपने प्रार्थना विषयों को, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझ तक जरूर से प्रेषित करें, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अजीजों मिलकर हम परमेश्वर के समक्ष अपने प्रार्थना निवेदनों को रखेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसने मसीह यीशु में हमें अवसर दिया कि प्रभु में हमें आज प्रभु अपने पवित्र इबादत करने का हमें अवसर दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज हम मिलकर धन्यवादी पर्व मनाते हैं, दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जो कुछ हमारे पास उससे तेरा धन्यवाद करते, इस जिंदगी से प्रभु तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि तूने हम सबको सही सलामत रखा है, बचाया है, जिंदा रखा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, हर डर से, हर बुराई से, हर व्यभिचार से, हर गुनाह से प्रभु तू हम सबको संभालता है। ओ पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना हम करते हैं, हमने न जाने ऐसे कितने गुनाह, कितने अपराध जो जाने और अनजाने में किए, जो तेरी दृष्टि में गलत थे, प्रभु हम उन सारी गलतियों के लिए तुझसे माफी मांगते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, दिल की गहराई से उन हर एक पापों को स्मरण करते, जो हमें याद हैं, जो हमें याद नहीं भी हैं, हम उन सब के लिए तुझसे क्षमा मांगते। प्रभु तेरे दिए हुए इस अद्भुत जीवन वरदान के लिए हम धन्यवाद करते और प्रार्थना करते खुदावंद, जबकि तू हम में से हर एक से बोलता और बातचीत करता है, अपने कलाम को हमारे ऊपर जाहिर करता, प्रभु जी हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्रभु अपनी महिमा में हमें ऐसे इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं विश्व की अनेक उन बड़ी शक्तियों के लिए, वैश्विक अनेक उन बड़े देशों के लिए जो शक्तिशाली है। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु इन सारे देशों के बीच में आपसी प्यार होने पाए, ताकि प्रभु एक दूसरे को उठाते हुए आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते तमाम जगहों पे जहां कहीं इलेक्शंस हुए हैं, प्रभु परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन जगहों पर पाया जाए। हम प्रार्थना करते प्रभु अपने देश के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेतागणों के लिए, पिता परमेश्वर उनके कांधों पे जो तूने जिम्मेदारी दी और प्रभु उन्हें खुद चुन करके प्रभु परमेश्वर लोगों ने चुन कर उनको सामने लाया है, और इस लीडरशिप के द्वारा हम प्रार्थना करते वो प्रभु परमेश्वर आशीषित होने पाए, वो सब के सब आशीषित होने पाए, और प्रभु परमेश्वर देश में एकता के लिए, देश में प्रेम और भाईचारे के लिए, देश में प्रभु हर एक जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य कर सके। हम प्रार्थना करते मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की, हम प्रार्थना करते सहयोगी सभी चर्चेस के लिए, प्रभु परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि बनी रहे। हम प्रार्थना करते हर एक जरूरतमंद के लिए, हर एक उस विश्वासी के लिए जो आज इस प्रार्थना सभा में, आज प्रभु जी आज की रविवार आराधना में शामिल होता है, हम मांगते दुआ करते प्रभु उन हर एक विश्वासियों के जीवन पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो, हर एक की ख्वाहिशों को पूरा करे, हर एक की दिली ख्वाहिशों को पूरा करे, जो वो चाहते हैं वो करने पाए, वो हासिल करने पाए, मसीह यीशु के नाम सुन के हर एक सपनों को पूरा करना। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आराधना के मार्फत से जुड़े हुए हर एक विश्वासी जनों के लिए, हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर आज के धन्यवादी पर्व के लिए जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु परमेश्वर जो लोग अपने कंट्रीब्यूशन को ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु उनके हर एक कंट्रीब्यूशन प्रभु जी उसके द्वारा वो आशीषित होने पाए और प्रभु तेरे चरणों में वो ग्रहण योग होने पाए। हम प्रार्थना करते मसीह यीशु के नाम में जो लोग घर पर रह करके इबादत करते हैं प्रभु, उन सबकी इबादत को ग्रहण करना। हम प्रार्थना करते प्रभु जी जो लोग शारीरिक दुर्बलता में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं और अभी भी प्रभु परेशानियों में, उन सब की सुधि ले। हम प्रार्थना करते मिसेस मैविस चैंबर्स के लिए जिनको डायग्नोसिस, जिनको प्रभु जी डायलिसिस हो रहा है, हम प्रार्थना करते पूरे चैंबर्स परिवार के लिए जो बीते दिनों में कोविड से इन्फेक्टेड हुए थे, प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते कि तू चंगाई बख्शता है। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस नैन्सी मैक्सवेल के लिए प्रभु, जिनका पुणे में ट्रीटमेंट चलता,
प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते बहन अंजना फेलोस के लिए जिनका की प्रभु लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। ओ सामर्थी प्रभु अपने अनुग्रह को ढेले और इन सब को चंगाई बख्शे। हम अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते, आराधना में शामिल हुए एक बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते, खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते ये सब के सब स्वस्थ और तंदुरुस्त और आशीषित रहने पा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो आज सच्चे समर्पण के साथ तेरे सामने हाजिर होते हैं उन्हें बहुतायत के साथ आशीष देवे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए मांगते प्रभु अपनी प्रिय कलीसिया की आशीषों के लिए प्रभु जो तूने लगातार और बरकरार रखी है हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते इबादत में शामिल होने वाले हर एक अजीजों की जिंदगियों के लिए। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर हर एक दिल अजीजों के लिए जो प्रभु तेरी ओर निहारते हैं। उन सब की मंशा को प्रभु तू पूरा कर। खुदावन जिनकी जिंदगियों में तेरी जरूरत है जो प्रभु सिर्फ तुझे चाहते प्रभु उनकी तलाश खत्म करें और अपने दिव्य दर्शन के द्वारा उनके जीवन के हरेक डिजायर्स को पूरा करें। पुनः प्रभु जी हम सब अपने अपने आप को तेरे सामने समर्पण करते हैं और धन्यवाद देते प्रभु की तू संभालता अनुग्रहित करें और हमें से हरेक को अपनी बरकतों से भर दें। धन्यवाद के साथ और बड़े विश्वास हृदय के साथ आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी हम यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज पराक्रम अब और सदा तेरी।
नववर्ष 2021, 2020 खत्म, साल 2021 की शुरुआत। जब हम 2020 को देखते हैं, सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज, 18,14,000 मौतें कोविड से पूरी दुनिया में, अजीजों कम नहीं है। परिस्थितियों में भारी बदलाव, स्वभाव में भारी बदलाव, खान पान में बदलाव, रहन सहन में बदलाव। व्हेन यू आर लुकिंग बैक इन 2020, हमने सीखा जितना जल्दी हम सीखेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे, जितने जल्दी हम अपनाएंगे उतने अच्छे और सुरक्षित रहेंगे, उतने जल्दी आप आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहने पाएंगे। वर्ष 2020 परिवर्तन बदलाव का साल रहा, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जो हम परिस्थितियों को बेहतर बनाने की उम्मीद के साथ आज 2021 की शुरुआत करते हैं, और ये बदलाव सीखना हमें 2021 में बल देता है, हिम्मत देता है, हिकमत देता है। ये साल हमेशा हमें याद रहेगा, जब तक हम जिएंगे, और हमारे मर जाने के बाद भी लोग इस साल 2020 को याद रखेंगे। ऐसा लग रहा था कि साल 2020 की शुरुआत हुई, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, जबरदस्त बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, और मिडिल के आते आते मौतें हुई, अपनों को खोना हुआ, संक्रमित होना हुआ, हम पीड़ा में पड़े, आइसोलेट हुए, अकेले में जिया, अकेलेपन में जिए, सोशल लाइफ खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गए, मजदूर मारे गए, किसानों ने अपनी आवाजों को ऊंचा किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वर्ष 2020 में हमने इस जिंदगी में, इस बीते हुए साल में क्या किया? साल 2021 जो आज से शुरू होता है, मैं अपने आप जिंदगी में क्या करने जा रहा हूं, ये बात भी मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबसे पूछना चाहता हूं। आप हर कोई ये सवाल अपने आप से कर सकता है। क्या आपके पास में संभवतः बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बहुत सारे कमिटमेंट्स होंगे और जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? हो सकता है साल 2020 में आपने वो आपके जो रेजोल्यूशंस आपने तैयार किए थे, आपने जो कमिटमेंट्स किए थे, वो पूरे नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है आप इस साल पूरा करेंगे, परंतु मैं एक आगाज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, आगाज देना चाहता हूं। अगर आप प्रभु चरणों में अगर कुछ रेजोल्यूशन अपना बनाते हैं, कुछ कमिटमेंट बनाते हैं कि आप प्रभु के सेवक सेविका होंगे और अपने मन कर्म वाचा से प्रभु की सेवा करेंगे, तो ये बिल्कुल अलग विचार होगा। फिर से अपने आप को प्रभु में समर्पण करना, रिकमिट योरसेल्फ बिफोर गॉड एज अ न्यू क्रिएशन, एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दूसरा कुरंथियो 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। आप कुछ पकड़ के नहीं चलना और पुरानी बातों को लेकर नहीं चलना। अब जब आप प्रभु में हैं तो कोई अब मलाल नहीं रह गया है, क्योंकि प्रभु में सब कुछ आनंद में उसने तब्दील कर दिया है, सब कुछ नया कर दिया। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई जलन नहीं, अपनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ प्रभु में। जो प्रभु में स्नेह है, जो प्रभु में प्यार है, वो सब कुछ नया कर देता है। मसीह यीशु में अजीजों मेरे साथ कहे हालेलुया। हमारे ये रेजोल्यूशन हो सकते हैं 2021 इस नए साल में। अगर हम प्रेरितों अध्याय 2 आयत 42 से 47 को पढ़ते हैं, हमारा मन, जब जब हम इसे पढ़ेंगे, हमारा मन गदगदा जाता है। पत्रस ने बड़ा जबरदस्त भाषण यहां पर दिया है, बहुत गजब बात यहां पर कही है।
सो हम गंभीरता से इन बारीकियों को सीखेंगे, स्पेशली प्रेरितों अध्याय 2 आयत 42-47 के बीच में। प्रेरितों से शिक्षा हासिल करना और परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना, अगर आपका यह कमिटमेंट साल 2021 के लिए होता है सो। दूसरी चीज, प्रार्थना में और मजबूत होना। तीसरी चीज, कोविड सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा संगति नहीं कर पाएंगे, बट वी शुड लर्न हाउ टू एक्ट, वी शुड लर्न द सिचुएशन। हमको सीखना है ताकि इन परिस्थितियों का हम जवाब दे सके। चौथी बात, जरूरतमंदों के लिए अपने हाथ को बढ़ाना। पांचवी बात, आराधना करना, सबसे पहले घरों में, अपने परिवारों में, संगति करना चर्च में। उसी इशू मजीजो, और एक बात, शेयरिंग जॉय विद जेनरसिटी, बड़े उदारता के साथ अपने आनंद को शेयर करना। उसी इशू मजीजो, पुराना साल बीत गया है, इट्स कंप्लीटली एंड एंड इट हैज डाइड। ये दिन जो नई शुरुआत का है, एक सुनहरा मौका है। इट इज ए न्यू बिगनिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। ढेरों चैलेंजेस होंगे, ढेरों चुनौतियां होंगी, ढेर सारे काम हमको करने हैं, मिलकर के करना होगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, सो वी आर न्यू क्रिएशन। खुदा का कलाम कुछ हमें प्रेरणा देने के लिए इस साल में खास तौर पर कह रहा है। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31वां अध्याय और 6वीं आयत, तू हियाव बांधड़ दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना तुझको छोड़ेगा। आमीन। हमारे साथ हमारा खुदावंद है, हमारे साथ हमारा जिंदा खुदावंद है। भयभीत नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। दूसरी बात हम सीखेंगे भजन संहिता, भजन 37 की 5वीं आयत से, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, वही पूरा करेगा। इसलिए साल 2021 में घबराइएगा नहीं, प्रभु के चरणों में विश्वास के साथ हमको बढ़ना है, वही पूरा करेगा। भजन 37:27 में अगर हम पढ़ते हैं, बुराई को छोड़ और भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। What else we need? What else we require? परमेश्वर हमारे साथ है, सब कुछ वो पूरा करने जा रहा है। भजन संहिता 147 का 3 को हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से इस कलाम को पढ़ना है। भजन संहिता, भजन 147 और 3 आयत में, He heals the broken hearts and binds up their wounds. वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम बांधता है। हमारा खुदावन अद्भुत खुदावन है, हमारे साथ रहकर हमारे घावों को भरेगा, वो हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ेगा, वो हमारे बहते हुए आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा और हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वो अद्भुत खुदावन जो हमारे साथ है, मसीह यीशु मसीह। मत्ती की इंजील 11वें बाब की 28वीं आयत में कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के नजदीक आना। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहा, तुम्हारा बोझ है ही क्या, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रिलीज करता हूं। प्रभु के चरणों में बने रहना इस साल अजीजो, और प्रभु के साथ संगति में बने रहना है। जीना मसीह में, मर जाना ला, पौलुस कहता है मसीह यीशु मसीजो, उसके चरणों में बना रहना। बहुत बोझ में हमने जिया है, बहुत टेंशन में हम जिए हैं, हमने बहुत एग्जर्शन में जिया, लेकिन अब हम प्रभु के चरणों में सारे बोझ को रख देंगे। हालेलुया। भजन संहिता 94 और उसकी 19वीं आयत में लिखा, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। अब हमारे पास घबराने की कोई बात ही नहीं है, प्रभु का अद्भुत सुख हमारे साथ है, वो हमें भरोसा दिला रहा है, वो हमें ताकत से भर दे रहा। मसीह यीशु मसीह जो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 4वीं आयत कहता, धन्य है वे जो शोक करते क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु की अद्भुत शांति हमारे साथ रहे,
इसलिए यकीन करें, कलाम जो हमने पढ़ा यह हमें रिफ्रेश कर रहा है, यह हमें रिकमिट कर रहा है कि हम खुदावंत के हुजूर में अपने कमिटमेंट्स को फिर से रिकमिट करें और प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। इस साल 2020 में हमें कैसे जीना है मसीह यीशु में दीदो? अगर आपका कमिटमेंट्स, आपके रेजोल्यूशंस जिन्हें आप बनाना चाहते हैं, कितने दिनों तक उसको फॉलो कर पाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। कितने दिन अपनी अंधी आदतों को, कितने दिन अपनी बुरी आदतों को, कितने दिन अपने एडिक्शन को आप भूलेंगे, सोचना होगा। खुदा के मंदिर को पाक करने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए सोचना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा। क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना है, या हमको सोचना है क्या इस साल हम पूरा समर्पण प्रभु को करेंगे? अगर हां तो आइए मसीह यीशु मसीह से प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर से ताकत और तौफीक मांगे, उसकी नेमतों को मांगे, उसकी बरकतों को मांगे और हम सब तैयार हो जाएं। आइए हम प्रार्थना में अपने सिर को झुकाएंगे। हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, जितने हमारी जिंदगी आज तक खुदावन तूने दी, जो और एक नए सिरे से सब कुछ तूने नया कर दिया। ओ खुदावन बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं खुदावन अपनी महिमा में हम सबको इस्तेमाल करना और तेरी मर्जी हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से पूरी होने पाए और खुदावन जैसा तू हमें रास्ता दिखाता वैसे हम चल सके और हम अपना भूल कर प्रभु तेरी ओर निहार सके और तुझसे ताकत और तौफीक और नेमतें हासिल करके खुदावन तेरी खिदमतगारी को अंजाम देने। शुक्रगुजारी के साथ आज इस इबादत में शरीक हुए तमाम दिल अजीजों तेरे हुजूर में पूरा पूरा समर्पण करते हैं। फिर से प्रभु हम सब अपना जीवन तुझे समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आइए बड़े ईमान के साथ हम खुदा की बरकत को हासिल करेंगे और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, प्रेम, मार्गदर्शन, शिफा, चंगाई, कल्याण खुदावंद यीशु मसीह में आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, उनके परिवारों के साथ, तेरी प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के रेक ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।